मुहर्रम की 7 तारीख के अवसर पर ढोल नगाड़ों और अखाड़ों के बीच सद्दू का जुलूस निकला। मुहर्रम पर बयान शहादत में हुसैन की मयादों को ताजा किया जा रहा है। इसी के साथ अकीदतमंद हुसैनी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और उसके आसपास के इलाकों में अकीदतमंद हरा लिबास पहने करबला की यादों में गमजदा मना रहे हैं। अंदर कोट मुहर्रम कन्वीनर जाहिद हुसैन के मुताबिक आज जोहर की नमाज के बाद यानी लंगर खाना इमाम बारगाह से सद्दू का जुलूस निकाला गया। अब्बास अलमदार की याद में ये सद्दू का जुलूस निकाला जाता है। अब्बास अलमदार की याद में ये अलम का जुलूस निकाला जाता है। बाद नमाज जोहर के अंदर कोर्ट में 7 तोपों की सलामी के बाद ये जुलूस की शुरुआत की जाती है। लंगर खाने के अंदर वहाँ पे सलाम को सलाम होता है और अखाड़ा आता है। बटेबाजी के साथ इस जुलूस को लेकर आगे बढ़ते हैं, दरगाह बाजार में आते हैं और ये आका हुसैन की याद में, अब्बास अलमदार की याद में आज के दिन ये अलम का सद्दू का जुलूस निकाला जाता है। और आज के दिन मेहंदी है, तबरुकात, लोग न्याज बाताएँ अपनी मन्नत और मुरादों के लिए मांगते हैं। और आका हुसैन हर साल जो आदमी जिस मन्नत मांगता है वो पूरी करते हैं। ये करबला वालों का ये मंजर है और ये हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके इस जश्न को इस सरकार के इसके अंदर मुहर्रम शरीफ में सब लोग शरीक होते हैं। कोई शरबत बांटता है, कोई कुछ बांटता है, ये आका हुसैन की याद में बनाया जाता है। पंचायत अंदर कोटियान की जानिब से जुलूस की शुरुआत की जाती है।